वेलकम फ्रेंड्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट. सो एज दिस इज अ टू पार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सो काइंडली गो एंड चेक आउट अवर फर्स्ट वीडियो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन कम बैक एंड सी दिस सेकेंड रिकॉर्डिंग. अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आर्मी मैन वॉरियर युद्धवीर सिंह जी को, जो दिल्ली को बिलोंग करते हैं. वे एक सिविल इंजीनियर है और आर्मी में जॉब करते हैं. उन्होंने जुलाई 2020 के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम इट ज्वाइन किया था और उनका सिंपल सा कहना है, लाइफ स्किल लर्निंग फॉर डिसीजन मेकिंग वेल्थ क्रिएशन विद प्रॉफिट फ्रॉम इट. सो आई विल वेलकम अवर वॉरियर मिस्टर युद्धवीर सिंह जी फॉर प्रेजेंटिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर विच इज एन वेरी इंटरेस्टिंग वन. आई फील दैट. प्लीज वेलकम युद्धवीर सिंह जी. थैंक यू प्रशांत खरे जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीयूष जी को, जो हमारे गुरु जी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. और साथ ही साथ मैं डॉक्टर मिलिंद प्रशांत जी और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उनसे मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट मिला और सीखने का मौका मिला पिछले एक हफ्ते में. अभी बिना ज़्यादा समय गंवाए मैं आता हूँ मुद्दे पर. और मुद्दा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर के चार स्तंभों में से एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, और मैं ये स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस को एक डार्क हॉर्स की तरह मानता हूँ. डार्क हॉर्स मतलब काला घोड़ा, जो कि दुनिया बाकियों को हीरो समझती है, बट ये पीछे से निकल के, और इसमें वो क्षमता है जो कि मैं अभी आने वाले अपने इसमें कवर करूंगा. स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये 2014 में आरबीआई ने इसे फॉर्मलाइज किया था. उससे पहले भी ये थी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के तौर पे, माइक्रो फाइनेंस, लोकल एरिया बैंक्स के तौर पे ये मौजूद थी. बट 2014 में 10 कंपनियों को, 10 बैंकों को अप्रूवल मिला. और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, बंधन बैंक क्लासिकली अगर आप देखें तो एक स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करता हो. इट मे बी क्वालिफाइड एज अ प्राइवेट बैंक, बट हियर बिकॉज ऑफ इसका कस्टमर बेस और इसका जो स्ट्रक्चर है, हमने इसमें स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस में इसे शामिल किया है. अभी जहां तक स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस की बात है, तो ये टोटल जो बैंकिंग सेक्टर है उसका तकरीबन 6% से थोड़ा सा ज्यादा का शेयर रखता है. और विद इन द स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हमने 4 बैंक को लिया है, इंक्लूडिंग बंधन बैंक, जिसमें से कि बंधन बैंक का सबसे बड़ा शेयर है, जो कि मार्केट का राजा है, 62%, फॉलोड बाय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि तकरीबन 26%, और उज्जीवन एंड इक्विटास. तो ये 4 कंपनियां हैं. अभी अगर इनका हम सेल्स लें, तो जैसा कि बंधन बैंक का जो स्ट्रक्चर है और सबसे बड़ा बैंक, तो उसी मुताबिक उसका जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय AU फाइनेंस बैंक, जो कि 10,000 करोड़ एंड 4,000 करोड़ का सेल्स 2020 का, एंड प्रॉफिट भी कमेंसुरेट है इसके, जैसे कि 3,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इन 2020, फॉलोड बाय 674 ऑफ AU फाइनेंस. तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बंधन बैंक इज द लीडर. नाउ कमिंग टू द GNPA, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है बैंकिंग के लिए, और जैसा कि आप सब जानते हैं, और अभी आपने प्राइवेट बैंक PSU बैंक्स में देखा कि GNPA इज एज हाई एज जो बेस्ट का भी 6%, बट हियर आप देखेंगे GNPA इज वन ऑफ द बेस्ट, 1% एंड मैक्सिमम इक्विटास का 3%, तो एवरेज इज अबाउट 1.5%, विच इज वेरी वेरी गुड. बंधन बैंक का जो GNPA, इट इज ओनली नेक्स्ट टू द बेस्ट बैंक, बेस्ट प्राइवेट बैंक, दैट इज द HDFC बैंक. अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे प्लीज.
द नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो वेरी हैंडसम बंधन बैंक का, इनफैक्ट सभी बैंक्स का लीडर बंधन बैंक 27% एंड फॉलोड बाय एयू फाइनेंस बैंक जो कि 15% है. सिमिलरली द रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन इट इज फिगर्स आपके सामने है, तो ये इट इज वेरी वेरी हैंडसम एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इस सेक्टर में 20%. अभी अगर हम इस साल की बात करें, ये मीडियम टर्म है पिछले 5 साल का. अभी अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 1 साल यानी 2020 और 21 के हाफ ईयरली रिजल्ट्स का कंपेयर करें, तो अगर ये ब्लू में जो दिखाया है ये सेल्स ग्रोथ है और रेड में है प्रॉफिट ग्रोथ. सो सेल्स ग्रोथ चारों बैंक्स का बेहतरीन है 20% के करीब. जहां तक कि प्रॉफिट मार्जिन है वो बंधन का और उज्जीवन का रेड में है, जो कि प्रोविजंस के कारण हो सकता है और इसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है आगे का. और जब अभी आएगा अगला हाफ ईयरली रिजल्ट, तो उससे जरूर हमें इसको देखने की जरूरत है. तो ये पूरा देखने के बाद में हमारा निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पिलर है बैंकिंग सेक्टर का, और उसमें बिकॉज ऑफ द वेरियस हाइलाइट्स ऑफ बंधन बैंक जो कि उसका टोटल कवरेज है, मार्केट शेयर है एंड और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए बंधन बैंक को हमें होम ऑन करने की जरूरत है. और इसी के चलते हमारे जो टीम मेंबर है मयंक शाह जी, वो अभी बंधन बैंक का फर्दर वैल्यूएशन करेंगे. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर अवर वॉरियर युधवीर सिंह जी. आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में वाकई में स्मॉल स्मॉल चीजें इन्वेस्टर्स को बताई है, और उसको देख के इन्वेस्टर्स निश्चित ही उत्सुक हुए होंगे और जागरूक हुए होंगे. अब मैं हमारे इंदौर के साथी मोस्ट डायनामिक मयंक शाह जी को आमंत्रित करूंगा, जो इसका वैल्यूएशन आप लोगों के बारे आप लोगों को बताएंगे. सो आई वेलकम मोस्ट डायनामिक मिस्टर मयंक शाह फ्रॉम इंदौर, प्लीज वेलकम. थैंक यू प्रशांत जी. मयंक भाई, लेट मी एक्सट्रीमली सॉरी. आप शुरुआत करें उससे पहले मुझे एक अनाउंस कर देने दो कि कुछ लोगों के माइंड में कुछ क्वेरीज होगी जरूर, जो भी चीजों पे अभी हमारी डिस्कशन हुई है. तो ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप अपनी क्वेरीज को रख पाओगे और हम आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे, राइट? सो टिल दैट टाइम kindly note down your queries in a notepad so that you can ask your queries after the presentation, right? Yes, Mayank bhai, thank you. Thank continue. Good evening to all, and thank you Prashant ji for such a warm introduction. Sabse pehle main Piyush sir ko thanks kehna chahunga. Ek maine profit format ko recently join kiya hua hai in July batch still, और कंटिन्यूस लर्निंग है आफ्टर प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा. मिलिंद सर को भी बहुत अंडर गाइडेंस, सबका एक्सपीरियंस मिलता है और लर्निंग बहुत सारी हो रही है. थैंक यू. अब बंधन बैंक का मैं आज आप सबके सामने वैल्यूएशंस प्रेजेंट करूँगा. तो बंधन बैंक के वैल्यूएशन से पहले हम जैसे युधवी जी ने हमें बताया कि बंधन बैंक के पास 63% शेयर है, मार्केट कैप है. तो एंड हम उनका जो उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम देखें किसी भी कंपनी में वैल्यूएशन के लिए देखना है हमें, तो ग्रोथ ढूंढनी होती है. तो हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है इस कंपनी की, दैट इज 40%, नियर अबाउट 40%. थर्ड, हमें किसी भी इम्पॉर्टेंट एक और पैरामीटर होता है, क्या वो मार्जिन है उनके पास, दे आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट. तो हम यहाँ बंधन बैंक में देख रहे, दे आर मेकिंग एवरेज 23% ऑफ मार्जिन. और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम ये देखना जरूरी होती है कि क्या कंसिस्टेंसी इज द की. पहाड़ पे चढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वहां पे कंसिस्टेंटली हम स्टे भी करते हैं कि नहीं. तो हम यहाँ देखते हैं कि बंधन बैंक सिंस 6 ईयर से इस बिजनेस में, एंड दे हैव नेवर डन लेस ग्रोथ. उनका कभी भी प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ है, ना ही सेल्स डाउन हुआ है इन लास्ट 6 ईयर्स.
तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सेल्स ग्रोथ 42% लास्ट रही है। 2016 में जो सेल्स कम है वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फुल ईयर था ही नहीं इस बैंक के पास, शॉर्ट 3 to 4 month था, तो वहाँ पे सेल्स डाउन है। तो हम एज पर एनालिसिस जो हम देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो 3 years की है, इतना लॉन्ग डेटा है नहीं, मिड टर्म डेटा। सेकेंड हम करंट ईयर ग्रोथ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर थोड़ा सा नीचे एस्टिमेशन 16% करंट ईयर ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ हमने 5% देखा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और हम हाफ ईयर रिजल्ट्स पे इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बंधन बैंक 16% और 15% से सेल्स ग्रोथ क्रिएट जनरेट कर रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज इंडिया की जीडीपी -7% से ग्रो कर लिए ऑन द हाफ ईयरली बेसिस रिजल्ट था, पर बंधन बैंक 16% से, तो बंधन बैंक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके प्रॉफिट्स भी काफी बेहतर हो रहे हैं यहाँ पे। तो नीचे लीजिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट सेल्स आर ग्रोइंग कंटिन्यूसली सिंस इंसेप्शन, तो एंड प्रॉफिट्स आर आल्सो ग्रोइंग सिंस इंसेप्शन। इसके बाद हमें देखना ये जरूरी होता है कि हमारे पीयर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एक मिनट स्क्रॉल कीजिए नीचे, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि हमारे पीयर इन्वेस्टर्स कौन है, हमारे साथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी पे वो कौन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, तो प्रमोटर की होल्डिंग 40% के लिए मैं लेस है ये नहीं है, एक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ये 40% किया जा गया है। सेकंड हम देख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट मोस्ट इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस बैंक, दैट इज नियर अबाउट 33%। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, वहाँ पे भी हम 6% है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर दैट इज नियर अबाउट 15%। इसमें मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होल्डिंग है नियर अबाउट 9%, एचडीएफसी कॉर्पोरेट की तरफ से 9% फॉर द गृह फाइनेंस जो इनका मर्जर हुआ था टेक ओवर। तो नीचे इस बैंक की हम मेजर कॉस्ट भी देख लेते हैं। मेजर कॉस्ट में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, यहाँ पे जो भी हमारे एफडीज होती है, डेफ फंड्स इशू होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो बैंक को पेएबल होता है एक मेजर एक्सपेंस वो है। सेकंड एम्प्लॉय कॉस्ट है। यहाँ पे एक हम देख रहे हैं प्रोविजन, प्रोविजन इसलिए है क्योंकि ये जो कोरोना इफेक्ट की वजह से इनकम बैंक्स ने फॉर द सेफ्टी पर्पस प्रोविजन पहले से करके रखे है, क्योंकि अभी हम एनपीए डिक्लेयर नहीं कर पा रहे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, तो उन्होंने पहले से प्रोविजंस के रखे रखे हैं, जो कि एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेगमेंट जो रेवेन्यू हो रहा है इस बैंक का, वो रेवेन्यू देखना जरूरी है। किसी भी बैंक के लिए जो सेफेस्ट रेवेन्यू माना जाता है वो माना जाता है रिटेल रेवेन्यू, और हम यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक के पास नियर अबाउट 80% जो रेवेन्यू है वो रिटेल से ही है। और हम स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती है इनका जो फोकस होता है वो रूरल सेक्टर पे होता है, रूरल एरियाज विलेज यहाँ पे होता है, और ये सेक्टर हम बैंकिंग सिंस लास्ट 2 decades है इन फंक्शनिंग, बट स्टिल ये एरिया अभी तक अनछुआ है। यहाँ पे बहुत ग्रोथ की पोटेंशियल है। नेशनल माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन एंड नेटवर्क जो है वो ये कहता है सिंस लास्ट 5 years 29% सीएजीआर का नॉर्मल एक ग्रोथ था मार्केट में, और वही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 5 years नियर अबाउट 20 to 25%। तो देर इज हाई पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ इस बैंक में। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो बिफोर हम प्राइसिंग लेवल डिस्कस करें, एक पॉइंट में सबके माइंड में आ सकता है बंधन बैंक को लेके कि बंधन बैंक का ये जो ड्रॉप है दैट इज नियर अबाउट 152 रुपीज, एक बॉटम जो बना था बंधन बैंक का, वो ये क्यों है, ये
मैं इसके लिए आपको एक डेटा बताना चाहूंगा मिलिंद सर, प्लीज आप हिस्टोरिकल डेटा पे एक मिनट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपका जो फोकस है वो यहाँ लाना चाहूंगा कि इन 2020 बंधन बैंक ने टेक ओवर किया था गृह फाइनेंस, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच इनिशियली हैविंग ओनरशिप ऑफ बाय HDFC पेरेंट कंपनी, एज अ पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पे उन्होंने जब टेक ओवर किया तो इस कंपनी ने एक फ्रेश इक्विटी जनरेट की थी और दैट इज नियर अबाउट 9%, जो आज मैंने बताया जैसे HDFC कॉरपोरेट ने होल्ड की हुई है। क्योंकि इक्विटी रेज हुई तो EPS पे इफेक्ट आया, अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट आया, उस वजह से ये जो स्टॉक है वो एक बार रीवैल्यूएट हुआ और उनकी रीवैल्यूएशन लेवल बने और उस वजह से ये स्टॉक नीचे आया। और सेकंड, इन द मंथ ऑफ मार्च कोरोना का डिक्लेरेशन हुआ, लॉकडाउन लगे, वहां पे भी इस वजह से पैनिक सेलिंग की वजह से 152 रुपीज तक हिट किया। अब सर, अब हम प्राइसिंग, तो गाइस अब मैं आप सबके साथ में इसके प्राइसिंग लेवल डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अगर बाइंग प्राइस बताना चाहूँ इन नेक्स्ट अपकमिंग टाइम फॉर एज ए इंट्रेंसिक प्राइस, तो मैं सजेस्ट करूँगा दैट इज नियर 350 रुपीज पर शेयर हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, 350 या 350 से बिलो इसकी बाइंग एक गुड बाइंग होगी। और टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट्स में मैं कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 650 का जो टारगेट है आई होप कि हम आने वाले इस साल में अचीव करें, इन नेक्स्ट दिस फाइनेंशियल ईयर में हम अचीव करें। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसमें एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट होते देख सकते हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है सेक्टर में और ये एक इमर्जिंग सेक्टर है तो हम वहाँ कर सकते हैं। सजेशन ये रहेगा कि हम नियर अबाउट हमारे पोर्टफोलियो का 3% यहाँ कर सकते हैं। रीजन हम यहाँ हायर लोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक रीजनल प्लेयर है यहाँ पे, अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडस्ट्री में सभी रीजनल प्लेयर्स है और रीजनल प्लेयर्स होने की वजह से हम यहाँ पे हमारा जो वेटेज है वो हम हाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रिस्क हो सकता है। जैसे बंधन बैंक का जो अभी मेजोरिटी ऑफ अर्निंग है वो आता है बैंक वेस्ट बंगाल की तरफ से, तो इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू प्रशांत सर, मिलिंद सर एंड पीयूष सर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू मयंक भाई फॉर डिस्क्राइबिंग द माइक्रो डिटेल्स रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक बंधन बैंक, और मुझे लगता है कि निश्चित ही इन्वेस्टर्स जो है इससे बनना चाहेंगे। अब मैं आता हूं वेयर टू इन्वेस्ट। ये शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरी विजनरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना डाटा जो रिसर्च किया था उसका एनालिसिस किया था, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और करीब करीब एक इन्वेस्टर के हिसाब से किन पॉइंट को लेना चाहिए वो उन्होंने इन्वेस्टर के सामने डिस्क्राइब किए हैं। सर थोड़ी शीट नीचे। अब मैं क्वालिटी बैंकिंग की जहां बात करता हूं तो जो डायमंड हमें सबसे कोहिनूर हीरा जिसको बोल सकते हैं वो हमें HDFC बैंक मिला है। 1994 में दीपक पारिक भाई मिस्टर आदित्यपुरी को सिटी बैंक से लाए थे और उन्होंने 25-30 साल के दौरान HDFC बैंक को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और आप देखेंगे कि आज HDFC ग्रुप कितनी कंपनियों का ग्रुप हो गया है। सर नीचे थोड़ा सा और ये इसको एनलार्ज करिए सर, ये जो खास जो है। अब हम देखेंगे बैंक का मेन खजाना क्या होता है। ये सर असेट्स एंड लोन बुक्स, ऊपर ऊपर सर, हाँ असेट्स एंड लोन बुक्स हाइलाइट्स जो है ना, हाँ सर थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। ओके, जैसे आप देखेंगे कि इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है इसने पिछले साल 30% का लोन बुक के अंदर जंप पाया है और पिछले जब मार्च एंडिंग के पिछले 3 महीनों में भी इनके लोन 15% से राइज हुए हैं, विच यू कैन फाइंड इन देयर रिजल्ट बुक। सर राइट में लीजिए। अब आप देखेंगे कि मोरेटोरियम, जैसे मयंक भाई ने चर्चा करी थी, अब मोरेटोरियम क्या है, तो जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने कुछ
जो किस्त भरने वाले उनको सुविधा दी थी कि आप किस्तें बाद में भरिएगा। फिर अगस्त के बाद में वो क्लियर होने वाला था, पर आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो हर इन्वेस्टर को जो फाइनेंस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो मॉरेटोरियम जरूर और उसके प्रोविजन दिमाग में रखना चाहेंगे। पर मैं HDFC बैंक के बारे में जो CEO ने उनके अभी हाल ही के रिजल्ट में कहा, सर थोड़ा सा ऊपर जाइए, कि HDFC बैंक का लोन बुक जो है 10 लाख करोड़ रुपए का है, और उसके सामने उनके CEO ने कहा है जस्ट 0.5% भी जो मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर समझो लोन फेल हो जाते हैं तो भी उनका NPA जो है 1.95% या ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी है उनकी। सर नीचे आइए, अब हम देखेंगे HDFC, ये सर जो फिगर है ना ऊपर के, इसके ऊपर सर HDFC बैंक के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र क्या है। तो ये ट्रेजरी में डील करती है, रिटेल बैंकिंग में डील करती है, होलसेल बैंकिंग में डील करती है। फिर नीचे आइए सर, अब ये IRA क्या है। एक्चुअली HDFC बैंक जो है टेक्नोलॉजी के बहुत रिसर्च कर रही है और अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस मिल पाए, इसलिए नई नई टेक्नोलॉजी दे रही है। और आप IRA के अंदर देखेंगे ये इंटेलिजेंस रोबोटिक असिस्टेंट सर्विस है जो इंडिया में मेरे हिसाब से HDFC बैंक के अलावा किसी बैंक के पास नहीं और विश्व के कुछ सीमित देशों के पास में है। अब मैं इनके रिटायर्ड MD मिस्टर आदित्यपुरी जो अगस्त 2019 में रिटायर हुए थे, उनका पहली पंचलाइन देख लीजिए इतने साल सर्विस करने के बाद भी, कि HDFC बैंक का अवर बेस्ट इज येट टू अराइव। तो सोच लीजिए कि उनका विजन कितना तगड़ा होगा। आप उसके अंदर देखेंगे कि इस साल जो है नेचुरली वो पेंडेमिक जिस हिसाब से सभी बैंक जो है हिल गए थे, पर उन्होंने अच्छा रिस्क मैनेजमेंट किया और आगे भी इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और नेचुरली अपना लोन बुक जरूर बढ़ाएंगे अच्छे लोन। सर नीचे आइए अब सर, हाँ सर जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू जो लिखा है। तो जैसे हमारे शैला प्रभु मैडम ने बताया ये HDFC बैंक में निश्चित ही जो इन्वेस्टर जिनकी जोहरी जैसी नजर होगी तो वो वाकई में इस पे नजर रखेंगे, और यदि आप 1341 या इसके नीचे लेते हैं तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है पर सस्ता भी नहीं है, पर ये एक अच्छी बाइंग वैल्यू हो सकती है वेल्थ क्रिएशन के लिए, इसको लेके भूल जाओ आप। अब सर नीचे, अब ये देखेंगे हम बंधन बैंक के बारे में। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा सर, 125%। ओके, तो आप देखेंगे बंधन बैंक जो है सन 2010 में ही सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई, पर इसकी लिस्टिंग हुई थी करीबन 2015 के अंदर, और आज हम देखेंगे कि बंधन बैंक और गृह फाइनेंस बैंक ने मिलके करीबन ऑल ओवर इंडिया जो ये चित्र आप देख रहे हैं कभी करीब करीब सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। सर नीचे, अब इनके जो CEO उनका भी मैसेज ये है कि इन लोगों ने इस साल के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट दिया है कि पेंडेमिक रियली इट हैज अफेक्टेड देम, बट उन्होंने ट्राई किया है रिस्क मैनेजमेंट का और आगे ग्रोथ लाने का, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी फॉर कस्टमर रिलेशनशिप, वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए और वो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट पर काम करेंगे। सर नीचे, अब आप इसका बेस्ट बाइंग वैल्यू जो अभी मयंक भाई ने बताया 350 जो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो जब भी कोई फॉल आता है तो आप इस पर नजर रखिए, इसके या इसके नीचे मिले तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब नीचे आइए, अब हम देखते हैं SBI। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं तो आप आश्चर्य करेंगे कि आजकल गवर्नमेंट बैंक भी टेक्नोलॉजी देने में माहिर हो रहे हैं, और जो इनके राजेश कुमार जी CEO हैं उन्होंने बताया है कि 2020 SBI के लिए बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात ये थी उनके लिए कि उन्होंने NPA काफी कंट्रोल में लाया, और इस साल का वो नटशेल में डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि पेंडेमिक को जो चैलेंजेस आए हैं उनसे कैसे फेस करना और रिस्क मैनेजमेंट कैसे फेस करना। सर नीचे, इसका बेस्ट बाइंग वैल्यू हमारे विजनरी मिस्टर विजय चौधरी जी ने बताया 184, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, पर उन्होंने जैसे बताया है कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं 350 तक, यदि उसके ऊपर जाए तो इट इज जेम। सो
थैंक यू वेरी मच पीयूष सर, डॉक्टर मिलिंद सर, आपके गाइडेंस में मैं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर पाया हूं। और हो सकता है मेरा आज पहला प्रेजेंटेशन था तो कुछ गलती हुई हो, तो जो प्रेजेंटेशन सुनने वाले हैं मुझे माफ कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। प्रशांत जी, बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रेजेंट किया, और जो उम्मीद में रखता हूं, जो मैं सोचता हूं, आप लोग हर बार उससे और कई अनेक गुना बढ़िया उभर कर बाहर आते हो। तो वंडरफुल एंड वेल डन प्रशांत जी, मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया तालियां होनी चाहिए, राइट? सारे स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि जो भी आप लोगों ने यहाँ प्रेजेंटर देखा, देखे, ये भी हम ही लोगों के बीच के स्टूडेंट है, पर देखो इन्होंने एक फैसला किया कि मैं खुद रिसर्च करूंगा, और इन्होंने आपके साथ अपने रिसर्च को प्रस्तुत किया। सो रियली दैट वाज अमेजिंग थिंग। प्रशांत खरे जी हो, अनिल पाल जी हो देहरादून से, प्रशांत जी इंदौर से है, शैला मैडम जी हो बेंगलुरु से, मयंक भाई से हमारी बात हुई जो भी इंदौर से है, राइट, युद्धवीर सिंह जी जो दिल्ली से है, विजय चौधरी जी दिल्ली, आप सब लोगों से का डेटा हम लोगों ने देखा, एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग। तो हम लोग क्वेरी सेशन पे आए, उससे पहले मैं मिलिंद भाई को मैं चाहूंगा, मिलिंद भाई अपने आप को अनम्यूट करें, और मैं धन्यवाद मिलिंद जी को भी कहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सब ने मिलके ही ये बढ़िया काम किया है। सो कांग्रेचुलेशन डॉक्टर मिलिंद, हमें गर्व है कि आप सब हमारे स्टूडेंट्स हो। मिलिंद भाई, आप कुछ भी टिप्पणी देना चाहोगे, जो भी प्रेजेंटेशन आपने भी देखा, जो डेटा स्टडी देखा उस पे? यस सर, गुड इवनिंग एंड थैंक यू पीयूष सर। अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ वो वन ऑफ द अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर बार हमारा जो डिस्कशन होता था वो इतना फोकस रहता था कि बीएससी से डाटा कहाँ लेना है, एनुअल रिपोर्ट्स में कौन से सीईओ ने क्या बोला है, जैसे बड़े एनालिस्ट की चर्चा चलती है, जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। तो हमारे ये फ्रेश स्टूडेंट्स थे, मतलब जिन्होंने अभी 4-6 महीने पहले कोर्स कंप्लीट किया है। प्रशांत खरे जी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो 8 महीने में स्टूडेंट से लेकर टीचर तक की जो जर्नी है वो रियली अमेजिंग है। मतलब आई रियली क्लैप फॉर प्रशांत जी, जिस तरीके की डेडिकेशन और मेहनत मैंने उनसे देखी है वो सरप्राइजिंग है। विजय भाई जिनका एज 63 है, जो एयर इंडिया से रिटायर थे, आज भी उनकी एनर्जी लेवल वो जबरदस्त है, जिससे हमें पता चलता है कि एज का और एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि मुनीर जो 18 साल का यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट है, वैसे ही हमारे यहाँ 63 इयर्स के विजय भाई चौधरी भी है। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वैरायटी ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इन्होंने सबने जबरदस्त रिसर्च किया पीयूष सर के गाइडेंस के अंडर, जो हर एक हम क्वेश्चन पूछते हैं सर का हमें गाइडेंस रहता है। और ये डाटा रिसर्च सर ने इतना सिंपल बना दिया, आपने देखा रहेगा छोटे छोटे चार्ट्स बनाए स्टूडेंट्स ने और उसको एक ग्राफिकल रूप दे दिया, तो ये डाटा समझने में स्टडी करने में बहुत आसान है। इसमें कुछ ट्रिक्स है जो आप अगर सीख गए तो इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल नहीं है। शुरू में जो मुझे लगता था कि इन्वेस्टिंग बहुत टफ है, लेकिन जब मैं इन सब के साथ काम करता हूँ, इनका एंथुसियाज्म देखता हूँ, और 4-6 महीने में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरफ सब बढ़ रहे हैं और हर एक के पोर्टफोलियो चमक रहे हैं, तो मैं सबका और पीयूष सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। सर का गाइडेंस है इसीलिए हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। सो आई थैंक यू पीयूष सर एंड ऑल द टीम, विजनरी टीम, प्रशांत जी एंड योर टीम, यू हैव डन एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू भाई, बहुत बहुत बढ़िया सब लोगों को। और हम लोग क्वेरी सेशन आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले अगली मीटिंग का भी मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वेडनेसडे को आशिम किर्तुनिया की जो टीम है, आशिम जी मोहाली से है, आशिम भाई और आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बढ़िया प्रेजेंट करने वाले हो और आपका टॉपिक है कैपिटल गुड्स, राइट? चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेरी सेशन पे आ जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपकी जो कोई क्वेरी है आप अपनी क्वेरी को नोट डाउन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, हम बारी बारी आपकी क्वेरी पे बात करेंगे, राइट? चलिए लेट मी स्टार्ट द क्वेरीज। मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे, राइट? हम आपको मौका देंगे लाइन टू लाइन।
लगा दो ना उनको वापस कॉल बैक करो ओके सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है प्रशांत जी आपको और आपकी टीम को वंडरफुल नरेश भाई का एक क्वेश्चन है यू इन शेयर प्राइस ऑल्दो वी फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ ओके चलिए ये तो क्वेरी नहीं था लेट मी मूव टुवर्ड्स क्वेरी एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आप सारे लोगों से आपका प्रेजेंटेशन से ये प्रश्न उठा है और ये हॉट टॉपिक है आज का राइट खास मिलिंद जी सर यस सर हेलो 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 यस सर प्राइवेट बैंक पे जिसने काम किया उसको तो पता ही होगा कितना हाँ, था या शैला मैडम या 1.5 लाख करोड़ शैला मैडम एम आई राइट ओके 1.5 लाख करोड़ का धंधा एचडीएफसी बैंक का किसी को एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप याद है कितना था 8 लाख करोड़ के करीब है सर 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप उनका धंधा खाली 1.5 लाख करोड़ है राइट सर जनरली धंधे मार्केट कैप ऐसा एक नियम है राइट यस सर एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप धंधे से 3 गुना ज्यादा क्यों सर ये उसकी क्वालिटी में दिखेगा सर तो फिर प्रशांत जी तो फिर हाँ, जब हम भारत की बात करते हैं हाँ, बहुत से हम लोग आजकल व्हाट्सएप में और हर जगह पे देख रहे हैं कि हम लोग डाल रहे हैं कि भारत का धंधा कितना है कितना हमारा जीडीपी है सर अभी तो थोड़ा यानी फर्स्ट क्वार्टर में तो -24% करीब था अभी रिकवर होके -7.5 के करीब आया है पर प्रशांत जी 200 लाख करोड़ तो बोल सकते हैं ना धंधा हमारा इंडिया का आराम से सर 200 लाख करोड़ का धंधा है और हमारा जो मार्केट कैप है वो 180 लाख करोड़ पहुंच रहा है यानी हम 80% तक पहुंच रहे right. तो हमें लगने लगता है ये तो बहुत महंगा होता जा रहा है तो अगर आपका मार्केट कैप जीडीपी के पास आए या जीडीपी से भी बढ़े तो हमें टेंशन में आ जाना चाहिए बिल्कुल नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं है अच्छे इंडिकेशन है सर यानी कि हमारी क्वालिटी सुधर रही है बिल्कुल एम आई राइट याद रखना मेरी ये बात अपना मार्केट कैप जीडीपी को पार करके ऊपर जाएगा क्यों क्योंकि ये नया इंडिया है यहाँ पे हम जबरदस्त ग्रोथ लेने वाले हैं हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने वाली है तो ये मत सोचना कि हमारा जीडीपी मार्केट कैप जीडीपी से बहुत कम रहेगा नो माय डियर फ्रेंड्स राइट ओके हियर इज अ क्वेरी फ्रॉम पीसी लिखा हुआ है तो मुझे पता नहीं है नाम क्या है उनका उनकी क्वेरी है बंधन बैंक के पे है तो मयंक भाई एक्टिव रहिएगा आपके लिए ये क्वेरी है इफ वी हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बंधन बैंक कैन वी होल्ड मोर देन 2% एज ऑफ नाउ माइक्रो फाइनेंस बैंक फोकसिंग ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बट इन फ्यूचर इट मे ग्रो फर्दर एंड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया तो मयंक भाई इनका सीधा ये पूछना है कि 2% मेरे पास है पर क्या मैं उससे भी बढ़ा सकता हूँ 2% या 2% से ज्यादा बंधन बैंक को क्योंकि बंधन बैंक से इनकी उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा और ग्रोथ करेगा क्या कहते हो मयंक भाई सर ग्रोथ डेफिनेटली है इन्हें मतलब मेरी तरफ से जो है मेरा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 3% अभी कर सकते हैं जब हम ये देखेंगे कि बंधन बैंक जैसे अभी 34 states में ऑलरेडी आ चुका है यूनियन टेरिटरीज के साथ में जब इनका जो बिजनेस है वो अभी रीजनल से हम अगर नेशन लेवल पे एक अच्छा देखते हैं ग्रो करते हुए तो फिर हम इसमें और वेटेज बढ़ा सकते हैं पर अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो रीजनल प्लेयर की जो एक पॉइंट है उसे हम अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए
फॉर द हेल्थ ऑफ अवर पोर्टफोलियो. तो मैं कह सकता हूँ कि 1% तक और कर सकते हैं वेटेज इंक्रीज, बट फ्यूचर में हम जैसे ही देखेंगे कि नेशनल प्लेयर की तरफ होते हैं तब हम इसमें और वेटेज बढ़ा सकते हैं, पर फिलहाल नहीं सर. राइट, तो आपका कहना है 3% तक रखे, बराबर है. पर जैसे हम जनरली HDFC या कोटक में सोचते हैं कि 5% 7% भी ले जा सकते हैं, उतना नहीं, 3% तक लिमिटेशन, बराबर है. राइट मयंक भाई? ओके, सो धन्यवाद आपका मयंक भाई. लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेरी. पार्था सारथी जी फ्रॉम विजाग विशाखापट्टनम ने आप सबको धन्यवाद कहा है एंड वंडरफुल इंफॉर्मेशन. अक्षय त्रिवेदी जी की क्वेरी है कि यस बैंक में क्या करें. तो प्राइवेट बैंकिंग पे किसने काम किया था? अनिल भाई. यस अनिल भाई, आर यू ऑनलाइन? यस सर. या अनिल भाई, यस बैंक पे क्या करोगे? मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पोजीशन कभी पहले रही है यस बैंक वापस लौट के तो वहां कभी नहीं जाएगा. ये एपिटाइट है अपनी अपनी रिस्क लेने की. मेरी जो एडवाइस रहेगी कि अगर आप नया इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी उधर ध्यान मत दीजिए. अगर आपको पूरे मार्केट के बारे में समझ है तो थोड़े गेन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव करने में. मेरी तरफ से यही सर स्टेटमेंट रहेगा. राइट अनिल भाई, एक चीज तो हम जानते हैं कि ये इस साल H1 में यस बैंक भी प्रॉफिट में आ चुका है. yes, sir. बराबर ना? पर प्रॉफिट में आ चुका है ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनका इक्विटी अभी कितना है? आपने कोई जगह इक्विटी का डेटा लिखा हुआ है आपके ये रिसर्च में? तो मिलिन भाई से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इक्विटी डेटा बताए यस बैंक का एनीवेयर. सर ये यस बैंक का हमने नहीं लिया था, ये इंडेक्स का, इंडेक्स के बैंक मेरे ख्याल से शायद नहीं लिखा हुआ है ना इक्विटी. हाँ नहीं सर. कहाँ पे है? ओके, कोई भी जगह पे नहीं है इक्विटी का डेटा यस बैंक का? यस बैंक का नहीं है सर. ओके नो प्रॉब्लम, BSE इंडिया पे बता पाओगे? हाँ सर. या प्लीज. अक्षय भाई जी मैं आपकी क्वेरी तुरंत रिलीव कर देता हूँ. ये BSE इंडिया है, BSE इंडिया पे हम यस बैंक डालते हैं और यस बैंक ओपन हुआ. जहां पे ये जो डेटा आप देख रहे हो ये आप सब लोग भी देख सकते हो, फाइनेंस में गए और रिजल्ट में गए. एन्युअल ट्रेंड ओके, ये अलग अलग साल का डेटा है. आप देख पा रहे हो कि अब तक 2019 तक इक्विटी कितना था यस बैंक का, देख पा रहे हो आप कितना इक्विटी? 463 करोड़. राइट ओके, 463 करोड़ का इक्विटी और फेस वैल्यू कितना है यस बैंक का? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे 2 रुपीस. राइट, तो टोटल कितने शेयर हुए यस बैंक के? 463 करोड़ का इक्विटी, 2 रुपए का वैल्यू, यानी करीबन 230 करोड़ शेयर हुए ना यस बैंक के. राइट तो अक्षय जी मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, आपकी बैंक्स जब 1700 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 230 करोड़ शेयर में अगर प्रॉफिट बटेगा तो पर शेयर कितना प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा? पर शेयर 7.45 रुपया. राइट, लेकिन ये पुरानी बात है. आज के बाद आप देखो तो इनका इक्विटी 2500 करोड़ का हो चुका है. अब इतना बड़ा इक्विटी का मतलब अक्षय जी सीधी बात है कि आपके और मेरे पार्टनर बढ़ गए. पहले हम दो मिलके लाख कमाते थे, आपको 50,000 मिले, मुझे 50,000 मिले, पर अगर हमारे बीच पार्टनर 10 हो गए तो अब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. अब आप सोचो 2510 करोड़ इक्विटी, यानी पार्टनर कितने हुए हमारे, कितने शेयर है? करीबन 1200 करोड़ शेयर हुए. इतने सारे पार्टनर कहां से बढ़े बता सकते हैं? कैसे अचानक रातों रात इतने सारे पार्टनर बढ़े? SBI ने इक्विटी ले ली इसकी. हमने SBI क्यों SBI को आने दिया, क्यों SBI को पार्टनर बनाया? या गवर्नमेंट बैंक है सर, कोई भी बैंक संकट में आता है तो सिस्टम को संभालने के लिए गवर्नमेंट बैंक्स हमेशा इनिशिएट लेते हैं. ओके, तो मिलिन भाई अगर यस हमने SBI को नया पार्टनर घोषित किया, यस सर, तो SBI शेयर भी ले गया
हाँ सर, यानी सॉरी या 30% शेयर आज एसबीआई के पास है, एचडीएफसी आया, आईसीआईसी बैंक आया, बंधन बैंक ने भी पैसा डाला, अब इतने सारे लोगों ने पैसा डाला तो आपके पार्टनर बढ़ गए, अब ये पुराना प्रॉफिट भी करेंगे ना तो भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, इतने लोगों में ये प्रॉफिट बटने वाला है, राइट। तो मैं मोटा मोटा इतना बता दूं कि हम आने वाले भले ये प्रॉफिट में आ जाए पर हम आने वाले 3-4 साल तक इसकी रेंज 50 रुपए तक की उम्मीद रख सकते हैं, राइट। 8 रुपया यानी 10 रुपए से 50 की रेंज में चलेगा, ऐसे बैंक में रहे इससे तो बढ़िया है, एचडीएफसी या कोटक जैसी बैंक में रहेंगे तो बढ़िया वेल्थ क्रिएट होगी, बहुत कम डिविडेंड आएगा यस बैंक में और प्रॉफिट मिलेगा पर वेल्थ नहीं आएगी, राइट अक्षय भाई। सो थैंक यू वेरी मच। तो अक्षय भाई लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सुधांशु जी ने बताया है बढ़िया प्रेजेंटेशन आप सबको। एक चीज और बोलना चाह रहा था सर यस बैंक में। हाँ कहिए अनिल भाई। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे जैसे इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो एग्जिट करने वाले लोग हैं वो भी भागेंगे अब इसमें से, क्योंकि पुराने लोग बहुत फंसे हुए हैं इसके अंदर। बराबर है, अभी तो लॉक इन कर दिया है 3 साल का, लेकिन हाँ जी क्या होगा, बराबर ना। ओके सो हेमंग शाह, इट वॉज ग्रेट प्रेजेंटेशन, आई हैव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमंग शाह का पहला प्रश्न है, being cryptocurrency shiny and taking place widely, how banks will provide profits in future? cryptocurrency पे हेमंग भाई अभी हम बात नहीं कर सकेंगे जब तक कि रेगुलराइज नहीं होती है, राइट, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे इसकी बात करना अभी वाजबी नहीं है। दूसरी जो आपकी क्वेरी है, after leaving आदित्य पुरी सर, will HDFC bank give same pace? इस पे क्या कहेंगे के बाद, अब क्या एचडीएफसी बैंक आगे बढ़ पाएगा? तो मैं आंसर करता हूं ना सर, डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक जो है आगे कर ही पाएगा, क्योंकि पुरी सर ने इतने बढ़िया फंडामेंटल सेट करके रखे हैं और एक्सट्रीम तक इसमें, और उन्होंने अभी आखिरी में कहा है कि हमारा बेस्ट अभी आने का है, तो उसका जो अगला रिप्लेस जिन्होंने किया मिस्टर जगदीशन कुछ है, तो नेचुरली ही हैज टू परफॉर्म एंड आउट परफॉर्म हिम टू शो हिज प्रेजेंस, और एचडीएफसी बैंक इसके अलावा तो मैं कहता हूँ कि जो क्वालिटी हम लोगों ने दिखाई है और जो देखी है तो वो तो कोई आउट बीटनेस, और सबसे पहला बैंक जैसे मैंने कहा था 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप करने वाला टीसीएस रिलायंस के बाद में यही बैंक होगा, और अभी तो इसके अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ और प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखना बाकी है सर। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए के बजाय मैं कहना चाहूंगा कि वो बंधन बैंक की तरफ जाए जिसके फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक रीजनल प्लेयर है, और समझो कभी राजस्थान वगैरह में ड्रॉट आ गया तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है, पर वही बंधन बैंक देखे अभी गृह फाइनेंस के साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर पैर पसार रहा है, तो उसके इस हिसाब से फंडामेंटल्स, और जैसे मयंक भाई ने बोला कि ये और स्प्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर, and definitely these two what diamonds today we have found like HDFC bank and Bandhan bank SBI definitely they are able to create the wealth in your portfolio, right, absolutely Prashant ji we agree with you, aur uske sath main ek cheez yahan pe add karunga ki koi bhi company malikon se chal le to fir wo hamare liye red signal hai, companiyan chalni chahiye system se, system yani aapne switch on ki pankha chalu ho gaya, कंपनियों का भी ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपकी वजह से कंपनी चले, अगर आपकी पर्सन की वजह से कंपनी चलती है, की पर्सन बोलते हैं ना उनको, अगर की पर्सन की वजह से कंपनी चलती है तो वो सही कंपनी नहीं है, राइट। नहीं तो जैसे आज सीमेंस की हमने सुबह बात की, 200 साल पुरानी कंपनी, दुनिया में कई कंपनियों को आज 300-300 साल, मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि ये कंपनियां 300-300 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर और बढ़ती जा रही है, वो क्यों? बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो मालिकों को भूल जाओ, अगर सिस्टम बढ़िया है ऐसे ही 100-100 साल पूरे करेगी, ये तो भारत के लिए एक शुरुआत है, अभी तो हमने उड़ान भी नहीं भरी है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच टू हेमंग भाई, होप योर क्वेरी हैज बीन रिजॉल्व। Let me move towards
नेक्स्ट क्वेरी, व्हाट शुड वी डू इन यस बैंक, अगेन अक्षय जी का क्वेरी है। अक्षय जी होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है? खरीदी ना करें, खरीदी के लिए एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, यस बैंक जैसे सेफ रह सकते हो एचडीएफसी बैंक में। हेमंत कुमार अग्रवाल जी, सर नमस्कार, कैन वी सी यस बैंक ग्लोरी? लेकिन दुखी बात यह है कि वो वापस 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा तो भी हमारे हाथ अर्निंग नहीं लगने वाली, राइट हेमंत जी? इससे बेहतर है हम क्यों ऐसे चांसेस ले और क्वेरी मुझे देखने दो। मितेश शाह, मितेश भाई मेरे ख्याल से इंट्रेंसिक वैल्यू, भाई ये जवाब मैं दे देता हूं आपको। अगर 100% प्लस प्रॉफिट है तो आपको 100% प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू में ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो है वो आपको रिटर्न देगा। यहां पे एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट इतना नहीं बड़ा है, लेकिन आप अगर आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट देखो तो दूर रहना चाहिए, राइट? फिर भी इफ दैट कंपनी हैव गिवन यू 100% ग्रोथ इन H1, यू शुड कंसीडर 100% प्रॉफिट दिस ईयर, राइट मितेश भाई? Okay, जितेंद्र सिंगारे, कॉन्ग्रेचुलेशन या थैंक यू जितेंद्र भाई। के हेतल देसाई, डॉक्टर हेतल भाई केम छो, वेरी मच। श्रीनिवास बीजी या थैंक यू। अशोक भाई थैंक यू वेरी मच। के एनी मोर क्वेरी, लेट मी सी, फ्यूचर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितेंद्र सिंगारे जी ने कहा है फ्यूचर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट की थी, क्या वो इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? युद्धवीर जी मेरे ख्याल से है ना, या युद्धवीर जी आपको जितेंद्र सिंगारे जी ने पूछा है फ्यूचर स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैसा लगता है आने वाले समय करेगा? जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक डार्क हॉर्स है, और जो सारे फिगर्स हैं वो बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि वो आने वाले समय में उसमें कितना पोटेंशियल है ग्रोथ। और ये अभी एमर्जिंग सेक्टर है, और पिछले 5 साल के ही हमने जो एनालिसिस देखा है वो बेहतरीन है। अभी एक चीज में जो और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो युद्धवीर जी एक्सट्रीमली सॉरी और से आ रहा था तो हमें सबको म्यूट करना पड़ा है, आप अपने आप को वापस अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हो। या यस प्लीज, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यू आर ऑडिबल। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक एमर्जिंग सेक्टर है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये अभी कुछ ही साल पहले फॉर्मलाइज हुआ है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। और इसका एक खास बात ये है, दो जो खास बात है, एक तो एनपीए जो है इसका बहुत ही बेहतरीन है, एवरेज एनपीए सभी का अगर देखें 1.5%। और उसका एक कारण है क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस है वो छोटे ग्राहक है, छोटे कस्टमर जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, और इसी कारणवश बड़ा एनपीए इनका होने के चांसेस नहीं है जैसे हमने बाकी एग्जांपल हमें देखने में आए हैं।
तो ये एक मुख्य कारण है। प्लस इनका जो कस्टमर बेस है वो एक अलग ही श्रेणी का है, तो जहां पे इनका मकसद स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का लाने का यही था कि जहां पे दूर दराज के एरिया में, गांवों में, कस्बों में, जहां पे नॉर्मल बैंक्स की शाखाएं नहीं है, और वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये एक मकसद है। और जो ये प्राइवेट बैंक है या पीएसयू बैंक है तो वहां पे वो कस्टमर बेस को सपोर्ट नहीं कर पाते, तभी स्मॉल फाइनेंस बैंक आया है। तो इन सब के मद्देनजर मैं ये समझता हूँ कि इनका जो फ्यूचर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ब्राइट है। थैंक यू। राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच युधवीर जी। एक सवाल मैं युधवीर जी करना चाहूंगा आपसे, पूछो। हाँ जी प्लीज। युधवीर जी, बंधन बैंक कितना धंधा करती है अभी, सेल्स कितना है? बंधन बैंक का टोटल सेल्स, एक मिनट, ये रहा, देखो यहाँ पे मिलिंद भाई ने बताया हुआ है, एक बार निकाल लेते हैं। या एच कॉलम में। हाँ जी, सेल्स दिख रहा है 10,885 करोड़ का, 11,000 करोड़ बराबर ना, तकरीबन 11,000। और बंधन बैंक का मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप तकरीबन 666,000 करोड़। हाँ, 66,000 करोड़। तो इसका मार्केट कैप तो 10,000 करोड़ ही होना चाहिए। हाँ। क्यों 66,000 करोड़ है, क्यों 6 गुना मार्केट कैप मिल रहा है, जबकि इंडिया 80% पे है और लोग चिल्ला रहे इंडिया महंगा हो गया, तो क्या बंधन बैंक महंगा नहीं है? धंधे से 6 गुना मार्केट कैप, ये क्यों? बंधन बैंक का जैसा कि जो कस्टमर बेस है वो रूरल एरिया में, और इनके टोटल कस्टमर्स आज के दिन में मोर देन 2 करोड़ कस्टमर्स हैं। या तो मतलब ये युधवीर जी की लोग फ्यूचरिस्टिक है इस बैंक की ओर, कि ये बढ़िया बैंक है, राइट? इसीलिए इनको मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है। आपको ध्यान होगा कि 66,000 करोड़ मतलब 50 साल पुरानी टाटा स्टील का भी यही है, हाँ जी, 50 साल पुरानी हीरो होंडा की भी, हीरो मोटर का भी यही है, और 5 साल पुरानी बंधन बैंक का भी यही है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों कि 5 साल पुरानी बैंक 50 साल पुरानी कंपनियों को टक्कर दे रही है? यही से समझ जाना चाहिए कि भविष्य कहाँ पे है, राइट और रॉन्ग युधवीर जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच युधवीर जी, आशा रखता हूँ जवाब मिल गया होगा जिनकी क्वेरी थी। संजय भाई की क्वेरी है, सर आई हैव इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी बैंक एसआईपी मोड, कंटिन्यू करता ही रहना चाहिए एसआईपी आपको, राइट? हेमंत कुमार का क्वेरी है, सर कैन वी एक्यूमुलेट एचडीएफसी लिमिटेड द पेरेंट। Just to remind you, time is 8:55. Okay, so we have only 5 minutes, Chintan bhai? Yes, only 5 minutes to go, then we'll have to stop. Yeah. We will take as many queries in 5 minutes. So, Hemant bhai ka ye kehna hai ki HDFC, jo ki parent hai HDFC bank ka, life ka, AMC ka, kya usme mujhe SIP karni chahiye? Okay, to iska jawab Milind bhai denge. या आप दीजिए प्रशांत जी। हाँ सर, एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस का ये लीडर है सर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द नंबर वन कंपनी विच इज फाइनेंसिंग इन हाउसिंग सर, द नीट एंड क्लीन, इसके फंडामेंटल जब स्टडी करते हैं सर तो सभी क्वालिटी जैसे हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक में पाई है वही क्वालिटी उसी के अंदर है सर, तो इसमें डेफिनेटली निवेश तो करना ही चाहिए सर, और सिप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, राइट? और अभी करेक्शन मोड में भी है प्रशांत जी, ये है ना सर, वो तो थोड़ा सा जो है अभी थोड़ा प्रेशर में है, पर दिस इज द बेस्ट एक्युमुलेटिंग टाइम, या आने वाला भविष्य उज्जवल है, करेक्ट, और करेक्शन मोड है तो सस्ता मिल रहा है, बराबर ना, तो यही सही मौका है एसआईपी करने का उसमें, राइट सर? या थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। ओके, नेक्स्ट रमेश आर्य जी का क्वेरी है, इज इट एडवाइजेबल to invest in HDFC bank and Bandhan bank at today's rate, or should we wait for some correction as market is at all time high? Okay, yes, is pe Shaila madam, HDFC bank pe query aayi hai Ramesh ji ki, aap kuch kehna chahoge? Sir, I have a thought process that it is always better to buy on dips, and banking industry may give us good opportunities because of RBI guidelines about moratorium, about withholding dividend,
and keeping reserves, the prices due to market sentiment may come down and give us a chance to buy. So Bandhan Bank and HDFC Bank also may give us a dip, but we got the best opportunities in March when they came to the 50 MEMA, and that would have been a very good time to buy. Still, SIP can be done since the fundamentals and qualitative factors are very good in both the stocks. Thank you. Absolutely. Shaila Madam is absolutely right. उन्होंने जो पहली लाइन कही उसे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. Buying need to done during fall. ये बहुत बढ़िया कहा मैडम. तीन साल से टूटा हुआ था तो हमें लेना ही था. अब रैली आई है तो मौके की तलाश में रहे. जब जब बाजार गिरे accumulate your stock. मौका मिले तब आप हमेशा रेडी होने चाहिए. राइट. सो थैंक यू वेरी मच कुशला मैडम. आशीष जी ने कहा है नाइस प्रेजेंटेशन बाय ऑल. रमेश आर्य, यस आपकी एक क्वेरी हम लोगों ने ले ली है. सो अगेन ओके. सो हमने मेजोरिटी ऑफ द क्वेरीज हमने ले ली आज की. हम लोग दो मिनट है हमारे पास आखिरी में, तो मैं ये कंक्लूड करूं. उससे पहले एक छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा. 2008-09 की बात है. 2008-09 में मेरे एक दोस्त मेरे पास आए थे और मुझे बोले, पीयूष यार मेरे पापा को समझा. मैं बोला दोस्त क्या हुआ यार, क्यों तेरे पापा को मैं क्यों समझाऊं. उसने बोला यार पापा ने, यार पापा को कुछ पता नहीं चलता है शेयर बाजार. पापा ने HDFC और HDFC बैंक के शेयर लिए हुए थे अभी 10-11 साल पहले. राइट. जब वो मेरे को बात कर रहा था, ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब उसने कहा कि 10-15 साल पहले के शेयर लिए हुए थे, पापा नौकरी करते थे तब, अब कितने बढ़ गए हैं पर पापा बेचने को रेडी नहीं है. समझाना यार पापा को, दोनों बढ़ गए हैं तो दोनों को बेच के. एक मैंने नई कंपनी का नाम सुना है जो बहुत चल रही है, उसका नाम बताओ आपको, सुजलोन. तो बोले पापा को समझाओ यार कि सुजलोन एक नई कंपनी है, ये कंपनी में डालते हैं, ये HDFC तो बहुत चल चुकी है, ये बहुत महंगी है. दोस्तों आज आप जो इसको महंगी कह रहे हो ना, मैं तो 10 साल पहले भी HDFC को महंगी सुनता था, TCS को महंगी सुनता था, एशियन पेंट को महंगी सुनता था. थैंक्स गॉड कि उसके पापा नहीं माने, नहीं तो क्या हो जाता. राइट. तो दोस्तों 10 साल बाद 15 साल भी बाद अच्छी कंपनी अच्छी रहेगी. भारत के लिए एक शुरुआत है. हमारी भी कंपनी ऐसी होगी जो 100-100 साल पुरानी होगी और आपको लंबे समय तक प्रॉफिट और वेल्थ देगी. तो दोस्तों सारे लोगों को धन्यवाद. आप सब से बातचीत करके बहुत ही खुशी हुई. सारे प्रेजेंटर को मेरा हार्दिक शुभकामना. आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंट किया और अगले बुधवार हम वापस मिलेंगे. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी. जय हिंद दोस्तों. थैंक यू सर. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो जॉइन अवर ऐप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन सिमिलर वीडियोज एंड ऑल्सो लेट अस नो योर फेवरेट बैंकिंग कंपनी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.